तो आपको बताएं कि हाथरस में अभी जो मौजूदा हालात है, पूरी तरह से यहाँ पर जो राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, यहाँ पर बात इंसाफ की हो रही है, मांग इंसाफ की हो रही है, लेकिन आज सुबह से यहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक के बाद एक नेता आए जा रहे हैं। सीधे मैं चलता हूँ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे के पास। आनंद, आपके पास ताज़ा अपडेट क्या है? अब कौन राजनीति करने पहुँचा? ताज़ा अपडेट क्या है जी? देखिए दीक्षा, अभी यहाँ पर भीम आर्मी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि उनको 11 बजे तक ही आना था, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ उनके आने में। अभी जस्ट यहाँ से वो अंदर गुजरे हैं। वो यहाँ जैसे ही अंदर आए, वो गाड़ी से उतर गए। वो चाहते थे कि यहाँ से जो 2 किलोमीटर तक का जो रास्ता है पीड़िता के गाँव का, वहाँ तक वो पैदल जाएँ। लेकिन वो अपनी गाड़ी से उतरे भी, लेकिन पुलिस ने वापस उनको गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि साथ में कुछ कार्यकर्ता भी थे जो अंदर आने में सफल हो गए थे। और पुलिस को लग रहा था कि अगर यहाँ से अंदर चंद्रशेखर जाते हैं, अपने समर्थकों के साथ जाते हैं, तो उससे माहौल बिगड़ सकता है। और आपको बता दें कि जो ये बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ से उनका काफिला अंदर गया है, बाहर भीम आर्मी के काफ़ी तादाद में यहाँ पे समर्थक और कार्यकर्ता खड़े हैं, और ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इन्हीं की नारेबाजी का असर था कि एक बार जोश में आके चंद्रशेखर आज़ाद अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही मार्च करने लग गए थे, लेकिन कानून व्यवस्था और हालात को देखते हुए पुलिस ने जो है उन्हें वापस गाड़ी में बिठाया और कहा कि आप पैदल ही यहाँ से अंदर मत जाइए, बल्कि उनको गाड़ी में बिठा के ले गई और पीड़िता के परिवार से मिलेंगे, उनकी आप बीती सुनेंगे, पुलिस और प्रशासन को लेकर जो शिकायत रही है वो सुनेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल तो राजनीति हो रही है आनंद यहाँ पर, और लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक नेता आए जा रहे हैं। सोनू के पास चलते हैं। कुमार सोनू, आपके पास क्या तस्वीरें आ रही हैं? क्योंकि थोड़ी देर में उसी जगह पे चंद्रशेखर रावण पहुंचने जा रहे हैं जो भीम आर्मी के नेता हैं। देखिए बिल्कुल, राजनीति का दौर जो है इस पूरे मामले में शुरू हो चुका है। हालांकि ये घर की तस्वीरें हैं, घर में अभी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है परिवार अंदर है और आप कभी भी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर अंदर आ सकते हैं। तो कहीं कि ये राजनीति जो है अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है हाथरस का बुलगड़ी गाँव। तो फिलहाल लगातार यहाँ नेताओं के आने जाने का दौर जारी है। सुबह सपा का डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा था, उससे पहले आइडवा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी विमेन विंग है, उसका प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा था। उससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पहुंचे, और तो तमाम लोग यहां पर अपना अपना आ रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, परिवार से मिल रहे हैं, परिवार से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल अब जो सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि पुलिस की गाड़ियां भी जो है चंद्रशेखर की गाड़ी के आगे पीछे चल रही है, ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जैसी जो स्थिति है अच्छी वो ना बिगड़े। फिलहाल अभी ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं, जिसमें महिलाएं बाहर बैठी हुई हैं, और अब तमाम पुलिस फोर्स भी जो है कि आप एक्टिव इधर की तरफ हो गया है, क्योंकि जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो है राजनीति का खड़े सोनू का जो कुमार सोनू दिया जा रहा है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और परिवार के बारे में, परिवार का क्या कहना है? लगातार जो ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या लग रहा है उनको? ये राजनीति हो रही है कि उनको कुछ मदद मिलेगी? क्या कहते हैं परिवार वाले? देखिए परिवार का तो ये एक ही कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, वो चाहे किसी भी रूप में मिले, और उनका किसी पार्टी या किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो राजनीतिक लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं सबसे, लेकिन सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर आए थे तो भी उनसे बात हुई थी, तो उनका भी यही साफ ये कहना था कि वो किसी राजनीतिक दल विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं, और ना ही उनका उनसे कोई लेना देना है, और ना ही वो इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। लेकिन बस उनका ये कहना है कि न्याय परिवार को मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अब भीम कुमार लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं करने आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम लगातार सुबह से दिखा रहे थे, यहाँ पर हमें राजनीति नजर आ रही थी। आप सोचिए कि यहाँ पर जब डेलीगेशन 5 या 10 लोगों का होता है, जिनको अंदर जाने दिया गया था समाजवादी पार्टी के नेताओं का, और बाहर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे, वहाँ पर पहुंचे थे, और यहाँ पर किस तरह से हंगामा किया था सोनू, वो तस्वीरें हमने भी देखी है। तो ये कहते हैं कि हम राजनीति के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से समाजवादी उन्हें आज यहाँ पर लगातार यहाँ पर हंगामा किया था, उससे साफ होता है कि राजनीति हो रही है, सिर्फ कहने के लिए आ रहे हैं, संवेदना जताने के लिए। फिलहाल और कितने देर में पहुंच जाएंगे वहां पर चंद्रशेखर रावण? सोनू
देखिए चंद्रशेखर जो है बुलगड़ी गांव में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और यहां पर हम बाहर की तरफ चलें क्योंकि मैं इस वक्त पीड़िता के घर के मेन गेट पर मौजूद हूं, और हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं क्योंकि चंद्रशेखर यहां पर पहुंच चुके हैं और पूरे पूरा जो सुरक्षा बल है वो भी साथ में है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े। लेकिन अभी आप देखें कि जो चंद्रशेखर हैं वो आपको कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं और इंडिया टीवी की स्क्रीन पे दर्शक देख सकते हैं। तो ये चंद्रशेखर हैं जो भीम आर्मी के चीफ हैं। हाँ, पीड़िता जी क्या सवाल है? अभी पीड़िता तो नहीं है जी, लेकिन पीड़ित परिवार के जो भी सवाल हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी बात को गंभीरता से रखूं। आगे, आगे। तो अभी मैं जा रहा हूं, उनकी बात सुनूंगा और फिर मीडिया के सामने सबकी उनकी बात रखूंगा। आपके अंदर क्या सवाल है, किन सवालों के साथ? मेरे अंदर बहुत सवाल हैं और मैंने इस लड़ाई को शुरू से लड़ा है, मुझे पता है क्या क्या हो रहा है, मैं मांग कर रहा था बहुत सारी, धीरे धीरे उन मांगों पर काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह का पुलिस का रवैया रहा, सरकार का रवैया, उससे मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो रहा है। अब पीड़ित परिवार से मिलकर बाकी बातें बताएंगे। देखिए कि चंद्रशेखर जो हैं, आप अभी उनका ये कहना है कि पीड़ित परिवार से मिलकर वो फिर मीडिया से मुखातिब होंगे, उनका ये साफ कहना है कि वो शुरुआत से इस मुहिम में जुड़े हुए थे और जी अब यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं, सपा का डेलीगेशन आया था, आइडबा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का विमेन विंग है वो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। और फिलहाल अब देखें कि जो चंद्रशेखर हैं भीम आर्मी के चीफ वो यहाँ पर पहुँचे हैं और परिवार से मुलाकात करने के लिए, परिवार से मिलने। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए कि यहाँ पर परिवार घर में पहुँच चुके सदस्य वहाँ पर पीड़िता के, कौन कौन बात करेंगे अभी उनसे? यस, कैमरे के सामने बात कर रहे हैं कि फिर से कमरे के अंदर जा रहे हैं? शेखर जो नहीं, अभी चंद्रशेखर जो हैं घर के कंपाउंड में हैं, अभी परिवार के तमाम सदस्य जो हैं अंदर हैं और उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ, लेकिन अब बुलाने की बात हो रही है कि मिलने की इच्छा जो है चंद्रशेखर ने जताई है। हालांकि अभी मीडिया वाले भी जो है कई कोशिशें कर रहे हैं कि बातचीत हो, लेकिन चंद्रशेखर का साफ ये कहना है कि वो पहले परिवार से मुखातिब बोले, उनकी पीड़ा को सुन ले, उसके बाद ही वो बात करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखें तो चंद्रशेखर यहाँ पर हैं लेकिन परिवार का सदस्य अभी तमाम लोग अंदर हैं और गेट जो है वो अंदर से बंद है। फिलहाल अभी परिवार का सदस्य कोई उनके सामने नहीं आया, लेकिन लगातार सोनू आपको याद होगा कल जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे थे वहां पर तो पूरा परिवार इंतजार कर रहा था मिलने के लिए। यहाँ तक कि जब समाजवादी पार्टी के भी जो नेता पहुंचे थे उस वक्त भी क्या परिवार इसी तरह से इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से जो नेता है उनसे मिलने आ रहे हैं। क्या उस तरह की इत्तला उनको पास थी कि कुमार सोनू उनके पास थी, परिवार के पास, कि चंद्रशेखर आने जा रहे हैं? मैं बिल्कुल चंद्रशेखर परिवार जब राहुल और मैं एक बार उनसे बात कर लूं, मैं उन्हीं की बात तो आपसे रखूंगा। देखिए मैं आपसे कहना है कि परिवार से मुलाकात, परिवार तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चंद्रशेखर पहुँच चुके हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन फिलहाल उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि लगातार जो परिवार है कल से देख रहे हैं कि वो मीडिया के सामने भी थे, उन्होंने जो अधिकारियों से मुलाकात की, देर रात तक उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई, आज सुबह एक बार फिर से वहाँ पर पहुँचे हुए चंद्रशेखर। हाँ सोनू, आप बता रहे थे, जरा पूछिए क्या परिवार को उन्होंने इतला किया था कि वो मुलाकात करने आ रहे हैं चंद्रशेखर ने? चंद्रशेखर लेकिन इतला कर दिया था परिवार को मुलाकात करने आ रहे हैं आप? कहाँ करने दे रहा है कोई इतला? यहाँ पर इतला करके तो आने नहीं दे रहा है कोई, अंदर इंतला करके तो आने नहीं दे रहा है। तो देखिए अब चंद्रशेखर जो हैं अंदर जा रहे हैं और कमरे में जो है उनकी मुलाकात होगी, हालांकि मीडिया को अलाउड नहीं किया जा रहा क्योंकि कमरा छोटा भी है अमित, और तमाम जो भीम आर्मी के लोग जो उनके साथ आए वो चंद्रशेखर के साथ मौजूद हैं। फिलहाल चंद्रशेखर अंदर चले गए हैं परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए, बात करने के बाद जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे और जो परिवार से बात हुई उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप देखें कि इस वक्त जो चंद्रशेखर हैं वो अंदर जा चुके हैं परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए। कमरे में कौन कौन मौजूद है जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं?
कौन कौन परिवार के लोग हैं जो इस वक्त उनके साथ बातचीत कर रहे हैं? देखिए कमरे में जो पीड़िता के पिता हैं वो मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, उनकी भाभी मौजूद हैं, तो तमाम वो लोग हैं परिवार के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो इस कमरे के अंदर मौजूद हैं और अभी मुलाकात शुरू हुई है, चंद्रशेखर की बातचीत शुरू हुई है। हालांकि दरवाज़ा जो है बंद नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि कमरे के अंदर मुलाकात हो रही है, लेकिन जो खुले में मुलाकात हो रही है। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा अभी शिशिर को कि वो दिखाए कि अपने दर्शकों को कि कौन कौन आखिर परिवार के अंदर बैठा। ये देखिए दरवाजा जो है अब बंद किया जा रहा है, सोनू कोशिश दरवाजा बंद किया जा रहा है और ये कह सकते हैं कि बंद कमरे के अंदर बंद कमरे में मुलाकात होगी चंद्रशेखर और परिवार के सदस्यों के बीच में। बंद कमरे के अंदर जो है मुलाकात हो रही है। सोनू एक चीज़ आप बताइए कि लगातार आप भी परिवार से बात कर रहे हैं, हमने भी देखा है कि पहले जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी आए पहले यह तय हुआ था कि लोग बाहर बैठ के बातचीत करेंगे, कैमरे के सामने बातचीत होगी, लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी परिवार को लेकर अंदर चले गए, अंदर बंद कमरे में बातचीत की गई। उसके बाद दूसरे जो डेलीगेशन पहुँचा, जो नेता पहुँचे, वो भी बंद कमरे में बात करे, कोई कैमरे के सामने आके बात नहीं कर रहा है। दीक्षा आपकी जब बातचीत हो रही थी परिवार के साथ उस दौरान सीबीआई को लेकर आपने कुछ सवाल पूछे थे, सीबीआई जाँच को लेकर क्या वो क्या बता रहे हैं, क्योंकि यही बात वो फिर से कहने जाएंगे इन तमाम नेताओं को? मूवमेंट करेंगे थोड़ा सा, दीक्षा आपको आवाज मिल रही है? दीक्षा अगर आपको आवाज मिल रही है तो बताइए कि आपने जो बातचीत की थी सीबीआई को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर परिवार का जो कहना है, क्योंकि यही आपत्ति वो बताने जा रहे हैं इन तमाम जो नेता पहुंच रहे हैं और जो नेता हैं इसी को लेकर फिर आगे राजनीति करेंगे, तो आखिर क्या वो उनके सवाल हैं जो वो उठा रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर, वो नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो जाए? दीक्षा बिल्कुल अमित, अगर इस जगह को, इस पीड़ित परिवार के गांव को अगर एक राजनीतिक अखाड़ा अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुबह से यहां पर लगातार तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी भी पहुंचे और साथ ही सपा के नेता भी यहां पर पहुंचे, अब भीम आर्मी के नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन परिवार से जब हमने मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने ये बताया कि जब एसआईटी उनसे मुलाकात करके गई तो सबसे पहले उन्होंने वाई प्लस सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि उन्हें वो बताया जा रहा है कि जो आरोपी का परिवार है वो उसी गांव में रहता है जिस गांव में पीड़ित परिवार रहता है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक उनकी जान को खतरा भी है, उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, इसलिए उन्होंने वाई प्लस सुरक्षा की मांग की। लेकिन जब उन पर सीबीआई जांच को लेकर सवाल किया गया तो दरअसल वो अभी भी एकमत नहीं है, या यूं कह लें कि उन्हें अभी इस गहन जानकारी, शायद पूरा परिवार सीबीआई जांच को लेकर नहीं रखता है, तो इस मामले को लेकर भी असमंजस का माहौल है, क्योंकि उन्हें जिस तरह का सुझाव दिया जा रहा है उस तरह के ही बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें न्यायिक जांच की जरूरत है, उन्हें सीबीआई की जरूरत नहीं है। साथ ही नार्को टेस्ट के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने हमेशा सच कहा है, इसलिए नार्को टेस्ट कराने की क्या जरूरत है। तो कुल मिला के अभी भी परिवार जो है वो एकमत नहीं है, और साथ ही उनसे लगातार जब हमने ये भी सवाल पूछा कि जो तमाम पार्टियों के नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो नेतागढ़ है उनकी दखल अंदाजी यहाँ पर बढ़े, हस्तक्षेप बढ़े, तो उनका ये कहना था, उन्होंने कई बार हमसे ये बात कही कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि उनके पास ये पार्टियों के नेता आए, लेकिन अभी भी सुबह से अगर हम तस्वीर देखें तो ये